हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज प्रियल आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम एकेडमी आज मैं स्टार्ट करूंगी सेट नंबर फाइव ऑफ परसेंटेज लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाए हैं और शॉर्ट ट्रिक सिखाए हैं अब उसी कंटीन्यूशन में हम और पैटर्न सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं परसेंटेज के उससे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी एप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके बहुत सिंपल प्रोसेस है आपको टाइप करना है एमएम अकेडमी ऐप आपको ये ऐप आप का लोगो डिस्प्ले होगा आपको सिंपली डाउनलोड करना है देन उसके बाद आपको साइनअप आप का ऑप्शन आए साइन अप करने के बाद आपको

आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने मेंशन की है मेरी आईडी एज वेल एज मेरा टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे डाउट उसमें भेज सकते हैं ओके okay? अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारा टाइप नंबर सिक्स है और लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि इसको सॉल्व करिएगा ओके okay? अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ठीक है देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न में रहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमांक पच्चीस प्रतिशत और बीस प्रतिशत अधिक है दूसरे की पहली कितने प्रतिशत है। ये एक्स्ट्रा लिख गया है इसको आप इग्नोर करिएगा आपसे सिंपली यहाँ क्या बोला जा रहा है एक कोई नंबर है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा है किससे थर्ड नंबर से तो देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर है ये कितना एक्स्ट्रा है ये ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा है मतलब वन ट्वेंटी फाइव परसेंट है किसका थर्ड नंबर के ओके okay? और क्या बोल रहा है जो सेकंड नंबर है अभी आपको सेकंड नंबर भी नहीं पता है तो जो सेकंड नंबर है वो ट्वेंटी परसेंट मोर है थर्ड नंबर के तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड प्लस ट्वेंटी अब आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में वॉट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड मतलब आपको यहाँ बताना है कि फर्स्ट सेकेंड का कितने प्रतिशत है मतलब कितना परसेंट है मतलब आपको किसकी वैल्यू निकाली है फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकेंड नंबर इंटू हंड्रेड ओके okay, इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए आपकी दो इक्वेशन ये हो गई पहली इक्वेशन ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ओके अगर आप डिवाइड करें किसको दोनों इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड तो आपको ये रेशियो मिलेगा लेकिन देखिए आपको हंड्रेड परसेंट भी चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दिया आपने 100 का इधर भी और राइट हैंड साइड पे भी अब देखिए ये थर्ड से थर्ड कैंसिल हो गया।, से ये चला गया अब एक परसेंटेज आपका यहाँ पेड बाई वन टी ये बन जाएगी आपकी टर्म तो सिंपली फाइव से कैंसिल करके देख लो फाइव टू जी टेन फाइव फाइवेंटीन और फाइव फोर जो ट्वेंटी ओके तो आपकी वैल्यू कैसी आ जाएगी कुछ ऐसी आ जाएगी फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड इंटू हंड्रेड विच इज वॉट ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर इंटू हंड्रेड ये वैल्यू आएगी उसको फर्दर आपने जब सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा आपका डिवाइड ओके okay, अब 24, टेंजा होता है आपका टू फोर्टी तो आपने यहाँ पे क्या लिखा टेनजा ओके okay, अब बच कितना रहा है आपका हंड्रेड बच रहा है अब इस हंड्रेड को भी ट्वेंटी फोर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा देखिए आपको ट्वेंटी बनती है ट्वेंटी होता है आपका हंड्रेड होता है तो ट्वेंटी फोर फोर कितना हो जाएगा आपका हंड्रेड माइनस फोर तो हंड्रेड माइनस फोर ये कितना आपका नाइनटी सिक्स ओके हंड्रेड में से माइनस कितना कर दिया आपने नाइंटी सिक्स ओके okay, तो कितने जा गया ये फोर जा गया ठीक है अब बच कितना नंबर रहा है फोर बच रहा है तो आपने यहां लगाया पॉइंट ओके okay, अब इसके पीछे लगा दिया जीरो अब ट्वेंटी फोर वन से जाए ही जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 104.1 और समथिंग समथिंग अब देखिए यहां पे एक ही ऑप्शन है जिसमें ये वन आ रहा है यहां पे तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओके okay, क्लियर अब नेक्स्ट देखिए टू नंबर आर ट्वेंटी अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है कोई दो नंबर है सेम पैटर्न चल रहा है एक बीस परसेंट काम है और एक पंद्रह परसेंट काम है किससे थर्ड वाले नंबर से ओके okay? आपको क्या बताना है, है यहाँ पे यहाँ पे मेन ट्विस्ट यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट नंबर इज वॉट परसेंट ऑफ थर्ड नंबर तो ये आपका कितना हो जाएगा फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड इन टू हंड्रेड ओके okay, इसकी वैल्यू निकाल ली है ये तो काफी ज्यादा आपका इजी है तो देखिए आप सिंपली क्या करेंगे फर्स्ट नंबर कितना है आपका ट्वेंटी थर्ड नंबर हंड्रेड परसेंट होगा उससे ट्वेंटी थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा रही हूं किसके है थर्ड नंबर के तो ये फर्स्ट नंबर कितना हो गया फर्स्ट नंबर हो गया एटी ऑफ थर्ड नंबर क्लियर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट रेशो थर्ड इक्वल टू एटी परसेंट आपको आंसर यही चाहिए था मिल भी गया डायरेक्टली तो ये आपका काफी क्लियर कट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए विच इज एटी परसेंट क्लियर अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न टाइप नंबर सेवन इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट देन द रिजल्टेंट बिकम्स थ्री नाइनटी द ओरिजिनल नंबर अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कोई एक नंबर था सपोज ये आपका ओरिजिनल नंबर है ठीक है वो जो ओरिजिनल नंबर था आपका उसमें कितने का डिक्रीमेंट हुआ ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ ठीक है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का क्या हुआ इसमें डिक्रीमेंट हुआ तो आपको क्या मिला फाइनल नंबर मिल गया ओके okay. अब देखिए आपका ओरिजिनल नंबर आप क्या मानते हो हंड्रेड परसेंट मानते हो अब उसमें से डिक्रीमेंट हुआ कितने का पच्चीस परसेंट का तो वो कितना बन गया सेवेंटी फाइव परसेंट बन गया अब आपसे बोला जा रहा है, resultant, जो resultant बना है उसकी वैल्यू कितनी मतलब 75 की आ रही है, 390 आ रही है। आपको क्या बताना है, की क्या है? तो आपका 100 की आपको वैल्यू निकालनी है तो ये तो सिंपल आपका प्रोसेस हो जाएगा इसको आप यहां भेज दीजिए इसको यहां भेज दीजिए और इसको यहां भेज दीजिए नहीं समझ में आया देखिए ऐसे हो जाएगा नहीं है हंड्रेड इंटू थ्री नाइनटी डिवाइड बाय सेवेंटी फाइव परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थ्री थ्री थर्टीन और जीरो सा अब इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर इंटू वन थर्टी इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी फाइव टू जीरो आपका नंबर क्या हो गया फाइव ट्वेंटी क्लियर अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो देखिए आपका पहले नंबर कितना था हंड्रेड परसेंट था अब उसमें डिक्रीमेंट कितने का हुआ पच्चीस परसेंट की उसमें कमी करी मतलब माइनस किया तो अब नंबर कितना बन गया सेवेंटी फाइव परसेंट बन गया अब बोला जा रहा है आपसे कि जो नंबर बना है उसकी वैल्यू कितनी है थ्री नाइन्टी हो गई इतना समझ में आया आपको बताना है जो ओरिजिनल नंबर था हंड्रेड परसेंट उसकी वैल्यू क्या थी तो देखिए सेवेंटी फाइव परसेंट इसकी वैल्यू कितनी है थ्री नाइन्टी है हंड्रेड okay, परसेंट की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी आएगी ठीक है तो आप सिंपल यही प्रोसेस करते हैं ना कि पहले वन परसेंट निकालते हैं देन उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब आप करते क्या है डिवाइड यही करते हैं तो आप ये आपको ब्लैंक स्पेस की वैल्यू मिल जाती है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ये सिंपली आपका ट्वेंटी फाइव से कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी थ्री जा कितना होता है आपका सेवेंटी फाइव और ये फोर जा हो जाएगा हंड्रेड ओके okay. अब थ्री वन और थ्री वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो इंटू फोर कितनी वैल्यू आएगी आपकी फाइव ट्वेंटी आएगी क्लियर तो आपका आंसर कितना आ गया फाइव ट्वेंटी ओके okay? अब मैं आपको एक और शॉर्टकट से इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ देखिए आपसे क्या बोला है डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है पच्चीस परसेंट का हो रहा है तो पच्चीस परसेंट को आप क्या लिखते हो माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट को आप और फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकते हो माइनस वन बाई फोर लिख सकते हो ना अब क्या बोल रहा है आपसे कि रिजल्टेंट है आपका थ्री नाइन्टी ओके अब एक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करें यहाँ से देखिए आपने फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है ये ओके okay? तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसको क्या बोलते हो आप ओरिजिनल नंबर इतना आपको माइंड में रखना है ठीक है और जो आपका न्यूमरेटर रहता है मतलब ऊपर वाली जो संख्या रहती है वो क्या रहता है आपका चेंज कि कितना चेंजेस आए हैं यहाँ माइनस साइन लगा है मतलब ओरिजिनल वैल्यू में क्या चेंजेस आए हैं माइनस वन के चेंजेस आए हैं तो देखिए मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ अब आपसे यहां बोला क्या गया आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब ओरिजिनल नंबर आपका कितना था पहले ओरिजिनल नंबर था आपका मैंने माना फोर ये आपने फोर मान लिया ओरिजिनल नंबर उसमें चेंजेस चेंजेस हो रहे हैं और कित्ते का का माना हमने -1 का। तो आपका जो न्यू नंबर रहेगा वो क्या, होगा? Changes, यही होगा। क्या बन गया थ्री बन गया इतना समझ में आया आपको अब आपसे बोल रहा है जो आपका रिजल्टेंट बना है मतलब जो आपका न्यू नंबर बना है उसकी वैल्यू कितनी है थ्री नाइनटी है ठीक है तो मतलब थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री नाइन्टी आ रही है इसको आप पी के फॉर्मेट में भी लिख दो इसको ये रेशो में है तो इसको पी मान लो यहाँ भी पी मान लो ठीक है तो थ्री पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी थ्री नाइन्टी आ रही है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है फोर पी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो आप फोर पी की वैल्यू निकालें ये आपका ओरिजिनल नंबर कहलाएगा तो देखिए यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री वन जा और थ्री वन थ्री जीरो ठीक है तो तो की वैल्यू कितनी आ आ गई आपकी, 130 आ गई आपकी अब इस 130 को यहां पुट कर दो तो 4 into 130, ये क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर जब आपको बहुत क्विकली सॉल्व करने रहते हैं सारे क्वेश्चन देखिए आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए इफ द नंबर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी टू एंड एट

और ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट को क्या लिखते हो वन बाय लिखते हो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है अब इसको फर्दर आप सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन बाय फोर्टी क्योंकि इनका एलसीएम आएगा फोर्टी आप सॉल्व करेंगे तो नाइन बाय फोर्टी आपको वैल्यू मिल जाएगी तो देखिए ये हो गया आपका नेट चेंज तो आपका नेट चेंज कितना आया प्लस नाइन बाय फोर्टी अब मैंने आपको क्या सिखाया जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर और ये जो आपका न्यूमरेटर रहता है ये क्या कहलाता है आपका डेल्टा चेंजेस मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं और साइन कैसा है प्लस मतलब चेंजेस कैसे हो रहे हैं न्यू नंबर में एडिटिव हो रहे हैं मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है न्यू नंबर में तो देखिए आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा न्यू नंबर हो जाएगा आपका ओल्ड नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर प्लस चेंजेस यही होगा ओरिजिनल नंबर कितना है आपका ये फोर्टी और चेंजेस कितने हुए आपके नाइन के तो आपका न्यू नंबर क्या बन गया फोर्टी तो अब देखिए न्यू नंबर की वैल्यू कितनी है आपकी नाइन्टी एट है ठीक तो है, है तो फोर्टी नाइन की वैल्यू कितनी है आपकी नाइन्टी एट है तो देखिए यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पी पी बना लेते हैं हम तो देखिए फोर्टी नाइन पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी नाइनटी एट आ रही है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये टू से ही है तो पी की वैल्यू आ गई आपकी टू अब आपको ओरिजिनल नंबर चाहिए मतलब आपको फोर्टी पी निकालना है ठीक है तो यहाँ पी की वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर दी तो फोर्टी इंटू टू विच इज एटी तो ये क्या कहलाया आपका ओरिजिनल नंबर ठीक है और आपको इसी की वैल्यू चाहिए थी तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है ये आपका ऑप्शन एटी है ओके अब देखिये इसी पैटर्न के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका फ्लो बन जाए ओके देखिए अ नंबर विच मैन इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट बिकम फाइव ट्वेंटी अब यहां भी आपको क्या बताना है नंबर ही बताना है तो देखिए यहाँ पे चेंजेस कितने हो रहे हैं पॉजिटिव तो थर्टी परसेंट okay. तो को क्या लिखेंगे इंटू थ्री कर दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा आपका थ्री बाय टेन ये तो आपको बेसिक पता ही है तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन में ठीक है और चेंजेस कैसे हो रहे हैं इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव चेंजेस ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल नंबर ये क्या हो गया आपका चेंजेस ओके okay? अब यहां आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा इन दोनों को एड कर दो तो थर्टीन पी ये क्या हो गया आपका फाइव ट्वेंटी के बराबर यह सीखा हमने ओरिजिनल नंबर प्लस चेंजेस गिव यू द न्यू नंबर के तो न्यू नंबर किसके बराबर है फाइव ट्वेंटी के बराबर है तो पी की वैल्यू कितनी निकाली आपने फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाई थर्टी अब देखिए ये कितने ज हो जाएगा फोर ज हो जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई पी की वैल्यू आ गई आपकी फोर ठीक है तो पी की वैल्यू आपने रख दी फोर और कहाँ रखी यहां पे क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है टेन पी की क्योंकि यहां से ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो 10P मतलब टेन इंटू फोर विच इज 40 तो ये क्या आ गया आपका ओरिजिनल नंबर आ गया लेकिन देखिए यहाँ फोर्टी है लेकिन ऑप्शन है फोर हंड्रेड है मतलब आपने कहीं मिस्टेक कमिट करी है देखिए कमिट करी है ये कितना हो जाएगा आपका फोर्टी हो जाएगा तो टेन इंटू फोर्टी मतलब फोर हंड्रेड तो आपकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए विच इज फोर हंड्रेड क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ नंबर विच वीज बाय पॉइंट बिकम थ्री एट नाइन थ्री द नंबर इज अब यहाँ भी सेम प्रोसेस है यहाँ पे आपका चेंजेस कैसे हो रहे हैं इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव चेंजेस कितने के हो रहे हैं 41.66 देखिए 41.66 ये परसेंट में है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5 बाय ट्वेल्व होती है आपको मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था 1 बाय ट्वेल्व की वैल्यू कितनी होती है 8.33 ओके तो 5 बाय ट्वेल्व मतलब इंटू फाइव इंटू फाइव तो फाइव बाय ट्वेल्व की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स क्लियर तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो उसको 41.66 को लिख सकते हो आप 5 बाई ट्वेल्व और प्लस है ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर ये हो गए आपके चेंजेस क्लियर आपसे क्या बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन तो सेवनटीन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी थ्री एट नाइन थ्री

तो देखिए सेवन नाइन सा कितना होता है आपका सिक्सटी थ्री होता है ठीक है तो नाइन की कोई नंबर होगा जिसका एंडिंग किससे हो रही होगी नाइन से हो रही होगी हो हो तभी आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस थ्री मिलेगी ओके इस पी की वैल्यू कितनी होगी समथिंग और लास्ट में नाइन होगी इतनी वैल्यू होगी तो देखिए आपको यहाँ पे ये यह बस पता चल गया कि यूनिट डिजिट नाइन है तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसको ट्वेल्व इन टू समिंग और लास्ट में नाइन रहेगा तो टू का मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली किससे होगा इस नाइन से होगा और यही क्या आएगी एंड वैल्यू आएगी तो टू नाइन से कितना होता है एटीन होता है तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा लास्ट में आंसर में एट आएगा अब देखिए जो ऑप्शन है इसमें लास्ट में एट कहाँ प्रेजेंट है इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाए ठीक है तो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन क्या कर दी अवॉइड कर दी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20 परसेंट इट बिकम 116 परसेंट ऑफ इट सर वॉट इज द नंबर मतलब देखिए आपका पहले ओरिजिनल नंबर कितना हुआ करता था 100 परसेंट हुआ करता था उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ कितने का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे 20 यूनिट्स का हुआ मतलब 20 नंबर्स का हुआ तो नंबर कितना बन गया वन बन गया तो देखिए परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ प्लस सिक्सटीन का ही इंक्रीमेंट हुआ तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि प्लस सिक्सटीन परसेंट किसके बराबर होता है आपका ट्वेंटी के बराबर तो सिक्सटीन परसेंट की वैल्यू कितनी होती है ट्वेंटी ओके okay. आपको क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका हंड्रेड परसेंट तो आपको हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू आएगी तो देखिए ये आपकी समथिंग वैल्यू हुई इसको आपने ऊपर भेजा इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ये डिनोमिनेटर में आ गया क्रॉस वाइज आप कर सकते हैं ट्वेंटी डिवाइड बाई सिक्सटीन इंटू हंड्रेड यही क्या हो जाएगी आपके नंबर की वैल्यू तो देखिए फोर फोर 16 और फोर फाइव ज ट्वेंटी फोर वन जा फोर और फोर ट्वेंटी फाइव ज हंड्रेड तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई नंबर की जहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ देखिए नंबर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव विच इज

आप करती हूँ एंड में अपनी क्लास को अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग